वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। एक तरफ पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव में डूबा हुआ था, जश्न का माहौल था, और दूसरी तरफ हमने एक ऐसी खबर देखी जिसके बाद आप भी इसे जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये खबर आपको हैरान कर देगी। दरअसल मामला गुरुग्राम का है, जहां पर एक क्लब के अंदर कुछ बाउंसर्स ने तीन भाइयों के साथ मारपीट की। बड़ी बात यह है कि जिन तीन भाइयों के साथ मारपीट हुई, उनमें से एक एयरफोर्स में है और दूसरा सेना में। गुरुग्राम के एक क्लब में बाउंसर्स ने फिर दबंगई दिखाई। साइबर सिटी के सेक्टर 29 में स्थित बार में बाउंसर्स ने तीन भाइयों को कथित रूप से पीटा। जिन लोगों को पीटा गया, उसमें एक आर्मी और दूसरा एयरफोर्स में है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बाउंसर से कहते भी रहे कि हम आर्मी और एयरफोर्स से हैं, हमें मत मारो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। मामला सेक्टर 29 इलाके के फ्रिक्शन द ड्रिंकर पर बार का है। घटना 14 अगस्त की रात की बताई जा रही है। फिलहाल FIR भी दर्ज हो गई है। पीड़ितों का आरोप है कि करीब आधा दर्जन बाउंसर्स ने उनके साथ पिटाई की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गाना बजाने की रिक्वेस्ट करने पर उनको पीटा गया। पीड़ित तीनों भाई रोहतक के चमारिया गांव के रहने वाले हैं। वो लोग पार्टी करने गुरुग्राम पहुंचे थे। इनमें से बड़े भाई सुनील को आर्मी में हाल ही में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। वो गोरखा रेजिमेंट में क्लर्क के पद पर तैनात हैं। वहीं दूसरा भाई खजान सिंह एयरफोर्स में टेक्निकल स्टाफ में तैनात हैं। FIR के मुताबिक तकरीबन 11:20 पर इन तीनों भाइयों ने क्लब में एंट्री ली थी, फिर 20 मिनट बाद म्यूजिक बंद कर दिया गया। शिकायत में सुनील कुमार ने लिखवाया है कि इस पर उनके भाई अनिल ने वहां मौजूद बाउंसर से एक गाना बजाने की गुजारिश की, लेकिन बाउंसर्स ने गाना नहीं बजाया और बहस करते हुए उन लोगों को क्लब से बाहर ले गए। फिर कुल 6 बाउंसर्स ने उन तीनों भाइयों को डंडों से पीटा। शिकायत में ये भी लिखा गया कि बाउंसर्स उनको पीट कर वहां से भाग गए और कहा कि दोबारा वहां दिखाई दिए तो जान से मार देंगे। इससे पहले 7 अगस्त की रात को गुरुग्राम के ही उद्योग विहार में एक बार में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बाउंसर्स ने लड़की के दोस्त को पीटा था। उस मामले में क्लब का मालिक और बाउंसर गिरफ्तार किए गए थे। कुल मिलाकर गुरुग्राम से आने वाले ऐसे मामले आम हैं और इसे लेकर कई बार पुलिस के सामने शिकायत भी दर्ज की जाती है, जिस पर तुरंत संज्ञान भी लिया जाता है। फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है, जिसे लेकर जांच जारी है। कैसे लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।